अज्यूम कीजिए कि आप एक छोटा सा स्टोर खोलते हैं जिसमें आप औरतों के कपड़े बेचेंगे, और आप क्या करते हैं, आपने वो स्टोर ओपन किया, आपने औरतों के कपड़े तीन कलर में भर लिए स्टोर में। पहला कलर है रेड, दूसरा है ग्रीन, तीसरा है येलो। अब जब दुकान चलती है, शुरू होती है, करीब एक महीने बाद जो लाल ड्रेसेस हैं वो सारी की सारी बिक जाती हैं, ख़त्म हो तो स्टॉक हो जाते हैं आप, और जो हरे वाले हैं, हरे कपड़े, वो थोड़े आधे करीब बिक जाते हैं, थोड़े बचते हैं, पर ये जो पीले वाले हैं ये एक भी नहीं बिकते। तो अब क्या आप अपने सेलर के पास जाएंगे, जो जिसने आपको कपड़े दिए ताकि आप आगे बेच सकें, आप उसके पास जाएंगे और ये बोलेंगे कि लाल वाले कपड़े बहुत अच्छे बिके, बहुत ज़्यादा बिके, बहुत अच्छी बिक्री हुई, हरे वाले थोड़े बिके, थोड़े रह गए, और ये जो पीले कपड़े हैं ये एक भी नहीं बिके, पर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस कपड़ों को और खरीद लेना चाहिए क्योंकि ये पीला येलो मेरा फेवरेट कलर है। तो क्या आप अपने सेलर से ऐसा बोलेंगे कि आप मुझे पीले कपड़े और दे दीजिए? बिल्कुल भी नहीं। एक चालाक व्यापारी वही है जो ऐसे हालतों में समझ सके कि मैंने कुछ जरूर कुछ गलती की है, ये येलो कपड़े की डिमांड है ही नहीं, येलो कपड़े लोग खरीदने को तैयार नहीं है, तो मैं उनको अगर अपने स्टॉक में रखूंगा तो मेरा ही घाटा है, मेरा ही नुकसान है, बिकेगा नहीं। तो चलिए क्या करते हैं, काम करते हैं, हम लोग इन कपड़ों पे डिस्काउंट डालते हैं, 10% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, कम से कम डिस्काउंट में ये जब कपड़े बिक जाएंगे तो हमारे पैसा तो वसूल हो जाएंगे, कुछ थोड़ा सा नुकसान झेल लेंगे पर पैसा तो वसूल जाएंगे। तो दोस्तों इसी तरीके से स्टॉक्स भी हैं, लोग क्या करते हैं अपने पसंद पे स्टॉक्स खरीदते हैं कि भाई फलाना स्टॉक्स मैंने कहीं सुना था अच्छा है, बाय कर लिए। अगर उनकी डिमांड नहीं होगी तो वो ऊपर नहीं जाएंगे, आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, और यदि वो बहुत ज़्यादा गिरे हुए हैं, कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं, आपको ऐसा लगता है कि डिस्काउंट पे मिल रहा है, बहुत सस्ता मिल रहा है, खरीद लेते हैं, तो वो डिस्काउंट में किस लिए मिल रहा है? क्योंकि कोई उनकी डिमांड नहीं है, कोई उनको बेच, सब उनको बेचना चाहते हैं, सब निकलना चाहते हैं, अपने हाथ बाहर निकलना चाहते हैं उस कीचड़ से, और आप उसी को खरीदने की बात कर रहे हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे जो मैं कह रहा हूँ इस स्टोरी के माध्यम से। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।